सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10.5 के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग जितनी मैंने थ्योरम वाली वीडियो बनाई है तो भैया पहले आप लोग उससे जाके देख लीजिए, ताकि जो आपके जो क्वेश्चन है आप लोग बहुत आसानी से लगाने और समझ में आ जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग पहले उसे देख लिए होंगे। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 10.36, तो कुल मिला जाकर इस फिगर की बात हो रही है और हमें कह रहा है कि ए बी सी आर द थ्री पॉइंट, मतलब जो बेसिकली क्या है, ये आपके पॉइंट दिए हैं और दिया कि सर्कल विद द सेंटर ओ, आपका सेंटर ओ दे दिया है और क्या दिया कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल ए ओ बी कितना 60 डिग्री दिया है। तो आपको बताना है कि आपका ए डी सी मतलब बेसिकली ए वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखिए बहुत आसान है, तो हम लोग कैसे करते हैं पहले हम लोग उसे देखते हैं। तो कुल मिला जुलाकर देखिए, सबसे पहले हमें दे दिया कि आपका एक सर्कल दिया है कि नहीं बोलिए आप लोग, हाँ दिया है, और इसमें इस तरीके का कुछ फिगर बना है कि आपका जो सेंटर से इस तरह के एंगल सब्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्या है, नाम है ए और इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका बी बेसिकली है, तो जो ए है बेसिकली ये 60 डिग्री का है और ये कितने का दिया है, मैं बोलिए आपको 30 डिग्री का दिया। देखिए मैंने क्या थ्योरम हमारा कहता था कि मान लीजिए आपका सर्कल है तो उसमें हमेशा किससे पास होना चाहिए, हाँ उसमें हमेशा हमारा सेंटर से पास होना चाहिए। जब तक सेंटर से पास नहीं होगा तब तक हमारा थ्योरम लागू नहीं होगा। तो कुल मिलाकर देखिए आप लोग, सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल पास हो रहा है, तो बस हमारा काम हो गया। तो कुल मिला जुला हम लोग फिगर को पलट लेते हैं, ठीक है, या तो कॉपी पलट लीजिए या तो देखिए मैंने फिगर पलट लिया, तो अच्छा बताइए सब एंगल कितना होगा, बोलिए आप लोग 90 डिग्री होगा, हाँ ना बोलिए, हाँ बिल्कुल हाँ 90 डिग्री होगा। तो अच्छा ये 90 होगा, तो हमने थ्योरम में पढ़ा था कि सेंटर पे बनने वाला एंगल आपके जो यहाँ सब्सटेंस पर या बाउंड्री लाइन पर बनेगा कितना होगा, इसका आधा होगा 90 का आधा हमारा 45 आ गया। तो कुल मिला जुला कर हमने देख लिया इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर बेसिकली आपका आ रहा है 45 डिग्री, आ रहा है कि नहीं बताइए आप लोग, हाँ बिल्कुल आ रहा। तो देखिए अब हम करते क्या, चलिए हम लिख लेते हैं कि एंगल ए ओ सी, एंगल ओ सी कितना बेसिकली है आपका, लिख लेंगे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम लिख देंगे बाई थ्योरम, हम थ्योरम से क्या जानते हैं कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या होगा, हाफ हाफ, बोलिए आप लोग, हाँ हाफ हाफ एंगल ए डी सी, मतलब इसी वाले एंगल का आधा होगा। तो हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं, कितना दिया है, सॉरी टू टाइम्स होगा, अब देख टू हमारे इधर चला जाएगा, तो हमारी एंगल ए डी सी वैल्यू कितनी आएगी, हाफ हाफ एंगल ए ओ सी, और ए ओ सी की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का आधा हमारा 45 डिग्री आ गया। समझना है कैसे मैंने किया, बहुत आसान थ्योरम का हमने यूज़ किया। हम लोग को थ्योरम तो जानते भैया कि अगर यहाँ पर अगर हमारा जो एंगल होगा उसका डबल सॉरी उसका हाफ क्या होगा, यहाँ पर उसकी बाउंड्री लाइन पर होगा, ठीक है। समझ में आया, फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है।